कुरुक्षेत्र के गांव किरमच में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान सचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर अभय सिंह चौटाला का किसानों व इनेलो कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र से किसान व महिलाओं ने भाग लिया। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले शहीदी दिवस पर भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जनमंच की आज़ादी न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से सुभाष चंद की रिपोर्ट। उस वक्त मैं लोकपित था, मेरे सामने कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया था कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दें, ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दें जिसको आप भी वोट डाल सको। रफी डाल, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी समय है, मैं सबसे बातचीत कर लूँ, उसके बाद आपके साथ बैठ के बात करूँ। मैंने पार्टी के सीनियर लोगों से यहाँ बात करी, वहीं के साहब से पूछा, चौटाला साहब से, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर बीच का खड़ा किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आर के आनंद का नाम आ गया जिसपे हम दोनों सहमत। आर के आनंद को चुनाव जीतना चाहिए क्योंकि वोट की संख्या हमारी 37 थी और बीजेपी के पास 7 मेंबर्स की कमी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, उसके साथ जो पेन की शाही बदली और उसके साथ साथ सुरजेवाड़ा ने अपना बैलेट पेपर जो कैंसिल करवाया, उसकी वजह से आर के आनंद तो हार गया। सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गया, तो सुभाष चंद्रा को चुनाव जिताने का मकसद जो था बीजेपी की मदद करना था, तो फिर बीजेपी की एजेंट के रूप में काम किया कि नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। उसके बाद जब उसके बेटे का चुनाव, उसके बेटे के चुनाव में भी बीजेपी के पास 2 मेंबर्स की कमी थी और कांग्रेस के 8 मेंबर ऐसे थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे, जिन्होंने इसके खिलाफ वोट डालना था, लेकिन बीजेपी ने हुड्डा का एहसान उतारना था, इसकी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, हुड्डा का लड़का निर्विरोध बन गया। फिर जो विधानसभा का सत्र है, उस सत्र के अंदर भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया कि इन तीनों कृषि के बिलों पे हम केंद्र की सरकार की बात पे वोट लाएंगे, तो जहां उनका हाउस में बैठ करके किसान का पक्ष रखना चाहिए था, जहां इन बिलों का विरोध करना चाहिए था, बजाय विरोध करने के बैल भी गए, शोर मचाया, कुछ मेंबर्स को तो नेम करके बात कर लिया और हुड्डा और किरण दोनों जो है वॉकआउट करके गए। मैंने दोनों से कहा था, मैंने कहा वॉकआउट का समय नहीं है, आज किसान जो है बहुत परेशान है,